नमस्कार, संगीताचार्य डीवी काणेबुवा प्रतिष्ठान की माध्यम से हम संचालित गुरुकुल के माध्यम से हम आज ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और हमारे गुरु आज यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर पंडित विकास जी कशालकर। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आज, क्योंकि गुरुकुल का और उनका बहुत गहरा संबंध है। मैं तो उनकी शिष्या ही हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब हमने गुरुकुल शुरू करने का सोचा, तब कशालकर सर जी ने ये एकदम उनको आनंद हो आ गया और सांगली में वो बोले कि हम लोग शुरू करेंगे, तो उन्होंने उसका पूरा ढांचा मेरे सामने रखा पहले, और उनके मार्गदर्शन से ये गुरुकुल पहले शुरू हो गया। बाद में कशालकर सर और मेरे दूसरे गुरु पंडित पद्मश्री उल्लास जी कशालकर, इन दोनों के मार्गदर्शन से ये गुरुकुल अच्छी तरह से अभी चल रहा है। सो सर, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं और मेरा गुरु भाई यहाँ मौजूद है, कृष्णा मुखेड़कर। नमस्कार। अच्छा सर, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रही हूँ कि गुरुकुल है तो गुरुकुल का ही पहला प्रश्न जरूर पूछूंगी कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा है संगीत में, तो उनका बहुत बड़ा गहरा नाता है, तो शास्त्रीय संगीत में इसका स्थान और इसका महत्व आप प्लीज हमारे जो शिष्यगण हैं उन सभी को प्लीज बताइए। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का अवलंबन प्राचीन काल से किया गया है, तो इसका कारण यह है कि हमारी जो कलाएं थी और शास्त्र थी वो मौखिक रूप में एक से दूसरे की ओर दी जाती थी। तो ये गुरुमुखी कला है संगीत। जब तक हम गुरु के मुंह से कुछ राग कुछ स्वर नहीं सुनते तो उसका अनुकरण नहीं कर सकते, फिर उस कला को हम अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का महत्व इसमें बहुत ज्यादा है। अब वो क्या है कि जैसे उदाहरण तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पहले कि एक व्यक्ति हमारे पास आए, कहने लगे, देखिए सर, के 3 साल में मैंने 100 राग सीख लिए हैं। और मैंने कहा, अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा, कैसे क्या सीखी? कहने लगे, सर बहुत आसान बात है। मैंने कहा, बताइए, समझाइए हमको। तो कहने लगे, देखिए कि जैसे 40 राग है वो भातखंडे जी की किताब से सीखी हमने। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर बोला 30 राग जो है वो पंडित रामाश्रय झा जी की किताब से सीखी। फिर और 30 राग जो है वो राग विज्ञान से सीखी है। ऐसे 100 राग सीखे। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा है। तो कहने लगे, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना, ये हमारे ज्ञान को समझ नहीं पाते। मैंने कहा, कौन? तो कहने लगे, आकाशवाणी में हमने ऑडिशन दी और उसमें हम फेल हो गए। अरे, मैंने कहा, आपने उसमें लिखना चाहिए था कि आपने 100 राग किताब उससे सीखी है। तो कहने लगे, हाँ। तो फिर हमको उनको समझाना पड़ा कि ये जो कला है ये पुस्तक से नहीं सीखी जाती, कोई किताब में स्वर का लगाव कैसे होता है, एक राग का चलन कैसे होता है, ये नहीं समझ सकते आप। तो इसलिए गुरु के सामने बैठ के उसकी तालीम लेना जरूर होती है। और ऐसा है कि ऐसे किताबों से सीखने वालों की हालत ऐसी होती है कि उनकी जो प्रस्तुति है, गायन कला है, उसको कोई भी मतलब इतना महत्व नहीं देते, या वो अच्छी नहीं होती। तो गुरु का महत्व इसमें बहुत ज्यादा है कि गुरु के सामने बैठिए, उनसे तालीम लीजिए, स्वर के लगाव, राग का चलन, ये सब जानकारी जो है रूप से आपको मिलनी चाहिए। वो ना तो आपको उसमें मिलती है किताबों से मिलती है, ना कोई आप कैसेट सीडी से,
उसको नकल कर सकते हैं, लेकिन उसका उसकी असलियत जो है वो आप नहीं समझ सकते। इसलिए गुरुकुल यही एक साधन है कि जिससे आप सीख सकते हैं, और वो हमने खुद अनुभव लिया है, आप खुद लेती हैं। कई सारे जो कलाकार वो इसी से बने हैं, इसलिए गुरुकुल एक महत्व की बात होती है। बराबर है सर, बहुत ही, क्योंकि इसीलिए तो उसको गुरुमुखी विद्या कहते हैं ना, इसीलिए तो शास्त्रीय संगीत गुरुमुखी विद्या है। अच्छा सर, ये तो हमारे जो गुरु भाई है उनको कोई बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, क्योंकि वो सांगली में हर रोज सिखाते हैं, तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले गुरुजी आपको सादर प्रणाम कि आप हमारे इस गुरुकुल के कार्यक्रम में आप आपका समय निकाल के आए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं कुछ रियाज के बारे में ही आपको कुछ पूछना चाहता हूँ और हमारे डाउट सभी क्लियर करना चाहते हैं, मैं भी डाउट्स क्लियर कर ले कि कुछ कुछ सवाल है कि शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए विद्यार्थियों में सबसे पहले कैसे कैसे गुण होनी जरूरी है, क्या क्या गुण होना जरूरी है? एक तो ये है कि ज्ञान ज्ञान की आसक्ति जिसको है, या संगीत के बारे में जिसके मन में आसक्ति है, या वो उससे जी जी आनंद ले सकता है, प्रेम है इस कला पर, वो ही संगीत सीख सकता है। ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोगों बच्चों को संगीत में रुचि नहीं है, लेकिन वो माता पिता उनको भेज देते हैं और फिर वो 8-10 साल 12 साल सीखते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको कहते कि उसको कुछ नहीं आया। हमने ऐसे भी लोग देखे, सर मैं 15 साल सीखा और कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि उसकी लगन, उसको मिलने वाला आनंद, ये उसको नहीं मिल रहा था, इसके कारण वो सीख नहीं रहा था। तो शिष्य के लिए पहले बात महत्व की यह है कि उसको उस कला में रुचि होनी चाहिए जी, फिर होना चाहिए। अब हमारे पेरेंट्स कभी आके हमसे पूछते संगीत कितने दिन में आएगा, तो संगीत के दिन में आने की बात नहीं है, ये संगीत एक जीवन की कला है ना, प्रस्तुति की तो है ही, लेकिन ये जीवन की कला है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये दो गुण होने चाहिए, काफी गुण है, लेकिन मतलब जैसे ये दो महत्व के गुण है कि उसमें परसिवियरेंस होना चाहिए। अब 2 महीनों में जिसको सीखना है तो वो इस कला के पीछे ना पड़े। स्टूडेंट्स के लिए तो स्वर ज्ञान के लिए क्या और कैसे अभ्यास करना चाहिए, आप थोड़ा हम सबको बताइए। जी, पहले तो है कि हम कहते हैं कि जो 7 स्वर हैं, उस 7 स्वर पर गामा पा धनी, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जी, अब आपके गुरु के सामने बैठे तो तब तो तानपुरे पर उसका रियाज करें, समझे ना। एक गुरु नहीं है और आप तानपुर पर कर रहे हैं तो संभावना यह है कि आप सुर गा सकते हैं, तो आपको ये समझ आप सुर में नहीं गा रहे हैं। तो शुरू शुरू में तो जितना भी रियाज करना है और जो स्वरों पर एक प्रभुत्व लाना है तो गुरु के सामने ही होना चाहिए। तो गुरुकुल का महत्व ये भी है, गुरुकुल में हम लोग सीखते थे तो क्या है कि घर में हम रियाज कर रहे हैं तो हमारे पिताजी कहते थे अरे ईश्वर गलत हो रहा है ये, तो हम कहते थे थोड़ा ऊंचा लगाइए, थोड़ा नीचा लगे। अब थोड़ा ऊंचा क्या नीचा क्या है ये एक बचपन में हम समझ नहीं पाते, एकदम शुद्ध स्वर उसका आकार। तो कुछ कैसे है कि सीखते समय बहुत सारी गलतियां ज्यादा आपके इसमें गाने में आने की संभावना होती है, पैसा पैसा ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं, मधुरता जी। तो इसकी ओर जो गुरु है उन्होंने ध्यान देना बहुत जरूरी है। बचपन से बेसुरा गाने की आदत हो गई तो वो कभी सुरीला नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में। हमने कई सारे ऐसे गायक कि जो बचपन से बेसुरे तो अंतिम क्षण तक बेसुरे रहे, तो सुरीलापन होना, तो इसलिए शुद्ध स्वरों का रियाज करना और हर दिन और गुरु के सामने बैठ के करिए। जब तक आपके सुर ठीक नहीं होते
तो तब तक वो आगे ना बढ़े। बहुत बार ऐसा होता है कि शिष्य है आजकल बहुत पढ़े लिखे होते, आते कहते कि चलो हमको आज कोई एक सारंग राग सिखा दीजिए, कोई भैरवी सिखाए, कोई टोड़ी सिखाए, उसको ये पता नहीं चलता कि ये पहला सारेगमा आपको नहीं आता तो वो राग क्या आएंगे। तो आपको एक गुरु के नाते समझाना पड़ेगा कि देखिए सुरों की शुद्धता और सुंदर लगाव और उसकी प्रस्तुति जी, उसके उच्चारण जी, इसमें कोई री करता है, गांव करता है, मां बोलता है, पंचम ठीक से नहीं लगता, तो इस पर काम पहले बहुत करना पड़ता है। और उस समय यह होता है कि वो जो बच्चा है तो वो कभी कभी वो उसमें उसको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कठिन क्रिया है स्वरों को शुद्धता में लाना, इसमें काफी समय लगता है, कभी एक साल लगेगा, छह साल, और वही बार बार करना। तो उस समय थोड़ा एक हाथ कोई गीत सुना सिखाए तो बात अलग है, लेकिन मेन आपका एम शुद्ध स्वर, फिर कोमल स्वर कैसे हैं वो बताना चाहिए, फिर उसके लिए फिर स्वरालंकार है, फिर स्वरालंकार सिखाइए, फिर उसको आकार में कैसा प्रस्तुत करना है, आकार पर ध्यान दीजिए, मंद्रस षज्ज, मंद्र षज्ज, तार षज्ज, इनका किस प्रकार से जी ऊपर के स्वर जो है उत्तरांग के कैसे लगाना चाहिए, ऐसा यहाँ से अभी शुरू हो। जी गुरुजी, इसी से रिलेटेड एक और एक सवाल है गुरुजी कि आवाज कहाँ से लगनी चाहिए, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पेट से गाना चाहिए, पेट से आवाज आना चाहिए, और कुछ लोग छाती से या गले से, और नासिका का प्रयोग कैसा होता है, तो ये थोड़ा हमको समझा दीजिए गुरुजी। जी, तो 13वीं सदी में जो एक ग्रंथ लिखा है उसमें कहा गया है ब्रह्म ग्रंथि से गुरुओं की निर्मिति होती है, और ब्रह्म ग्रंथि जो है नाभि के नीचे, ब्रह्म ग्रंथि स्थिता सोथ क्रमात और पथे चलन, ऐसा हम जो कहते हैं, तो ब्रह्म ग्रंथि से स्वरों की निर्मिति होनी है, इसके लिए बैठने का बैठने की स्थिति कैसे हो, है ना, नाभि के भी नीचे एक होती है, वहां से तो श्वास कैसे लेना है ये भी आपको सिखाना पड़ता है ना, कोई गले से इधर से गाते तो ये गाना नहीं हुआ, शुद्ध स्वर लगना चाहिए, खुला आवाज होना चाहिए, खुला मतलब बहुत जोर से गाना नहीं और मन में ही गा रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सुर को ब्रह्म ग्रंथि से जब निकलेगा तब वो उसकी उससे उसके द्वारा जो आप अभिव्यक्ति करेंगे वो ज्यादा महत्व की होती है। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि श्वास को पहले बहुत जल्दी लेते, देखिए ऐसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नैसर्गिक दृष्टि से आवाज की निर्मिति होनी चाहिए, है ना, और सुर पर कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए तो कभी जरूरी है कि आपको आंखें बंद करनी पड़े, कई सारे गायक पहला सुर लगाते से उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वो बहुत अच्छी तरह से लगे, तो वो समझाना है। लेकिन पेट के नीचे आप जो कह रहे हैं ना, डायफ्रेम के नीचे, नाभि नाभि के नीचे एक ब्रह्म ग्रंथि, वहां से सुर की निर्मिति होती है। अच्छा, तो वो ऐसे तो बता नहीं सकते कि यहाँ है, लेकिन उनको एक कल्पना दें तो बराबर धीरे धीरे उस प्रकार के स्वर की निर्मिति कर सकते हैं। तैयारी कैसी होना चाहिए, एक एक अच्छा गला का मतलब क्या है? जी, तो गले को तैयार करने के लिए गले में क्या क्या होना चाहिए, देखिए मीन, फिर गमक आना चाहिए, फिर बहलावे आनी चाहिए, फिर वो आवाज की मधुरता होनी चाहिए। तो गायक के गुण दोष बताए गए हैं, वो जैसे रुद्र शब्द सुशारीरो ग्रह मोक्ष विचक्षणा राग रागांग भाषांग क्रियांगो पांग को विदहा, ऐसे एक संगीत रत्नाकर में लिखा है। तो सुशारीर आपकी आवाज होनी चाहिए, और वो मतलब ना तो बहुत पतली है ना बहुत मोटापा उसमें आप लाने का, तो आलाप इस प्रकार से करना है, उसकी तैयारी करना है, तानों की तैयारी करना चाहिए, फिर जी जी उसमें बहलावे लाने। अच्छा। तो हरे हरे किस्में मींड, अच्छा। तो
पंचम से नीम निषाद तक मीट कैसे हो, पंचम से षड्ज तक, षड्ज से पंचम तक, अच्छा कैसे, ऐसे नींदों का प्रयोग तो सिखाना चाहिए। जबड़े की तालक प्रकार की ताने जो है वो तानों का उनसे रियाज करवा लेना चाहिए। तो गुरुकुल में क्या होता है कि आज जैसे एक बहलावे की तान है तो उसी पर काम चलता है, वो कल तो 2 महीने 4 महीने उसी पर काम चलते रहता है। फिर बोल 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 बांट बोल बनाओ, फिर बोल आलाप, ऐसे अलग अलग उसके घटक होते हैं, ये कम से कम 10-12 घटक हैं। इन सब घटकों का अलग अलग पद्धति से उस पर अध्ययन करके वो रागों में उसका प्रयोग कैसे करना है वो सिखाना पड़ता है, तब जाके गला तैयार होता है। वही सर मैं पूछने वाली थी कि हर एक राग का लगाव अलग होता है, आप गुरुओं ने हमें समझाया है। सो हर एक राग का सा भी अलग होता है, ऐसे भी आपने बताया, जैसे कि हर एक राग में उसके सुर के हिसाब से सा लगता है या ऐसा लगता है, उसके शास्त्र के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप जब लगाते हैं या बुआ जी लगाते हैं तो हर एक सा जो उस राग का हमें लगता है कि ये राग शुरू हो गया, ऐसा लगता है कि इस राग का ही ये वो सा है, ऐसा क्यों लगता है? मतलब ये जो बहुत अच्छी तरह से जो शिक्षा पाते हैं तो उनके गले में वो राग अपने आप, जैसे वो तानपुरा लगाने पर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मारवा का तानपुरा है, तो और वैसे सुर लगाने के बाद अरे वाजिया आज तो मारवा बनने वाला है, आज पूरी सुनाने वाला। तो हर एक राग में जो स्वर है वो स्वर का एक अस्तित्व, स्वर की एक अपनी पहचान होती है हर एक राग में। यहाँ तक माइन्यूट रूप तक हमको हमारे शिष्यों को ले जाना पड़ता है कि वही निषाद जो है, एक जैसे धैवत का उदाहरण दे हम कि हमीर में धैवत है वो धैवत और वो छायानट में जो धैवत है दोनों में फर्क है। तो एक सिर्फ ध लगा दो तो सुनने वाला कहेगा ये हमीर का धैवत है, दूसरा कहेगा ये छायानट का है, तीसरा कहेगा ये गौड़ सारंग का है। तो धैवत एक ही शुद्ध है लेकिन वो उसके अलग अलग रूप आपको राग में दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक सूक्ष्म अध्ययन पहला तो हिस्सा होता है अध्ययन, फिर सूक्ष्म अध्ययन जो बड़े गायक बनना चाहते हैं उनके लिए सूक्ष्म अध्ययन, तो सूक्ष्म अध्ययन में उनको ले जाना पड़ता है, तब जाके वो समझता है कि ये स्वर ये इस राग का है। कि भैरव का कोमल ऋषभ और देखिए कि भैरवी का कोमल ऋषभ दोनों में फर्क है। भैरव भैरवी यस सर बराबर है। अच्छा कृष्ण आपको और कुछ है प्रश्न आपके पास? जी गुरुजी हमको थोड़ा सा स्वर और सुर का थोड़ा अंतर बता दीजिए कि स्वर क्या है और सुर क्या है। सुर मतलब देखिए कि राग के, जैसे हमने कहा ना कि ये राग का सुर बोलते हैं, स्वर इज ए जनरल टर्म कि ये स्वर है, सात स्वर है, ये कोमल है, ये शुद्ध स्वर है, ये हो गया स्वर। रागों को रागों का रूप लेकर जो सजता है उसको कहते सुर। अच्छा सर जब हम कहते सुर में गाइए ऐसा कहते हैं तो स्वर में नहीं बोलते हम, सुर में गाइए मतलब राग का एक सुर होता है उसको लेके गाइए। क्या बात है, मध्यम का कर्ण लगा पंचम लगा रहे हैं या दैवत का कर्ण लेकर पंचम ले रहे हैं तो वो उस राग का सुर हो गया। मतलब ये कोई किताब में नहीं रहता, ये गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता है, समझ गए ना आप? अच्छा ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी 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 बराबर सर, एकदम परफेक्ट। आस होती है हर एक सुर की, एक आस होती है उसको सुंदरता से गाते हैं तब वो सुर बन जाता है ना। एक मनुष्य है और वो इंसान कब बनता है कि वो सब गुणों से संपन्न हो जाता है, तब हम कहते कि ये सच्चा इंसान है। इंसान और मनुष्य में फर्क ये है, वो इस स्वर और सुर में है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा सर मैं बीच में कृष्णा भाई मैं एक इंटरप्ट करना चाहूंगी
कि सर आपने आपने एक कथा सुनाई थी हमें, हम जब बच्चे थे आपके पास आए थे तब आपने कथा सुनाई कि ख्याल क्या है, और ख्याल की एक कथा है, मजेदार कथा है, वो प्लीज आप सुनाइए ना हमारे जो, जी, जी, जी. जो अभी हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं गुरुकुल के वो भी सुनेंगे. हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छा ये आपने हिंट दी हमको कि जैसे देखिए ख्याल ये शब्द तो बहुत 17वीं सदी से प्रचलन में है, लेकिन ये ख्याल नाम कैसे आया इसके बारे में एक रोचक कहानी है. वो ऐसा है कि नत्थन पीर बख्श जब ग्वालियर में आए, और ग्वालियर में आने के बाद वो सिंधिया साहब के यहाँ गए. उस समय ऐसा था कि बाकी जगह में संस्थान में जो दरबार गायक थे उनको कहीं इधर उधर जाना पड़ा, जैसे लखनऊ से और कई जगह से. तो सिंधिया सरकार ऐसी थी कि जिन्होंने जो संगीत के बड़े चाहने वाले, तो नत्थन पीर बख्श आए, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार मैं एक गायक हूँ, आपके दरबार में हमको कुछ स्थान दीजिए. तो कहने लगे हाँ जरा सुनाइए, गायक है तो सुनाइए, सुनने के बिना हम कैसे पहचानेंगे. अब वो गाने लगे, अब वो जो गा रहे थे वो ध्रुपद से कुछ अलग था, क्योंकि उस समय प्रचलन में ध्रुपद गायकी थी. अब ध्रुपद गायकी के प्रचलन में होते होते ये इन्होंने जो गाना सुना है, ये कव्वाल बच्चे घराने के लोग, तो इनको कव्वाली आती थी और राग भी आते थे. और उस समय एक चेंज आ गया था बंदिशों में. अच्छा. और ध्रुपद को थोड़ा कम ही मिलने लगा उत्तर प्रदेश के उस इलाके में. तो उन्होंने अपना जो गाना है, कहने लगे आप अपना गाना सुनाइए, और फिर सुनाया उन्होंने कोई राग बिहाग समझ लीजिए, और उसमें एक बंदिश आज जिसको कहते उस प्रकार की सुनाई. तो वो देखने लगे सिंधिया साहब, कहने लगे अरे ये क्या है, ये तो ध्रुपद तो नहीं लग रहा है, ये है क्या है. अब बेचारे वो क्या कहेंगे, तो हाथ जोड़ के कहने लगे सरकार ये तो ऐसा है, अपना अपना ख्याल है, हम अपने अपने इसे प्रस्तुत करते. अच्छा ये ख्याल है, ओ अच्छा ये ख्याल है, कुछ अच्छा नया बात है. कहने लगे नहीं नहीं मतलब विचार करें. हाँ कहने लगे वही आपका आपका आपकी सोच बहुत सुंदर है, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, तो जरूर ये करिए. तब से जाके कहा जाता है कि उसको ख्याल नाम से प्रचलन में लाने के लिए सिंधिया जी ने बड़ा महत्व दिया, और वो ख्याल बन गया. तब तक वो तो कव्वाली के प्रकार की ताने वाने उसमें, फिर बाद में बड़े मम शाने लाई थी उसमें. क्या बात है सर, वाह 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 वाह. अच्छा कृष्णा, और कुछ है एक आध दो क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग पे आएंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, सुबह का जो खर्च कर या करना है वो कितना जरूरी है, और गर्ल्स और बॉयज को सेम अभ्यास करना चाहिए, उन दोनों के लिए अलग अलग अभ्यास होता है, खर्च का जो रियाज है वो थोड़ा हमको बता दीजिए. खर्च की संकल्पना पहले सुन लीजिए, खर्च की संकल्पना गुरुकुल में पहले शुरू हो गई. तो वो क्यों हो गई कि उस समय जो बच्चे थे, मतलब लड़के, लड़कियां नहीं लड़के, लड़के वो गुरु के पास ये जाते थे, है ना, उनके आश्रम में रहते थे. तब उनकी उम्र थी कोई 12 साल 13 साल कोई 14 साल के, ऐसे जो बच्चे थे उनको भेजा जाता था. अब वो इस अवस्था में रहते थे वो बच्चे कि उनके बॉडी में और एक फिजिकल चेंज उनमें आना शुरू हो जाता है, ये उनकी उम्र होती है. तो जो पहले बहुत पतला सुंदर मधुर आवाज रहता है पहले वाला, वो धीरे धीरे चेंज होता है उसमें. और इस स्थिति में वो गुरु के पास आने के बाद गुरु का ये कर्तव्य होता है कि उसको खर्ज साधना कराए ताकि उसके उसके आवाज में गोलाई आ जाए. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किस जिसके आवाज में वो गोलाई है और मतलब बहुत मधुरता आ गई है, इफेक्टिवनेस आया है, उसको फिर खर्ज साधना कराने के लिए करना जरूरी नहीं है. खर्ज साधना हम इसलिए करते थे, हमारे यहाँ अभी भी बच्चे आते हैं 14 साल के होते, एक कोई एक सुर पर उसका सुर टिकता नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाता है, काली पांच से काली चार, तीन दो एक, और फिर दो में या एक में वो स्थिर हो जाता है. तो वो स्थिति में खर्ज साधना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है. लेकिन
अब वो क्या ट्रेंड बन गया है कि नहीं खर्ज साधना करो। हम कोई लड़कियों को खर्ज साधना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि खर्ज साधना से आवाज में मोटापा आता है, वो मोटापा हमको नहीं लाना है, मधुरता को कायम रखना है। बराबर। तो मधुरता को यदि कायम रखना है तो यदि आपकी आवाज पहले से बहुत सुंदर ठीक है तो उसको खर्ज साधना ना करें, किंतु खर्ज के स्वर में अधिक मधुरता होती है। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि राग का सुंदर स्वरूप तो खर्ज में ही दिखता है, उस्ताद लोग कहते थे, इसलिए खर्ज में वो अच्छे से सुनाई दे, इसलिए थोड़ी मामूली खर्ज साधना कराना ये बात अलग है। लेकिन औरतों के लिए लेडीज जो है मतलब गाने वाली, तो उनके लिए ये मैं जरूरी नहीं समझता, ना किसी ने किया है फिर भी वो अच्छे गाते, कितने सारे हम लोग देखते हैं अभी वो उस पे होते हैं ना सोशल मीडिया पे गाने वाली लड़कियां, कितने सुंदर आवाज करती, किसी ने पूछा उनको कि क्या खर्ज साधना करती है तो कहने लगे नहीं हम कभी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि खर्ज साधना की उनको जरूरी नहीं। करेक्ट करेक्ट सर। खाली मैं एक उसमें से ही एक प्रश्न है मेरा कि हमारे गुरुकुल में जो गुरुकुल में कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कितने साल तक वो खर्च साधना क्यों करनी पड़ेगी, ये एक क्वेश्चन आता है उसमें, क्योंकि एक दो बच्चे ऐसे हैं कि वो 15-16 साल के हैं तो उनका गला अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो उनकी खर्च साधना उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितने बरस में उनका आवाज साधारण ठीक हो जाएगा? उनको तो करना ही है, जिनका हाँ। आवाज स्थिर नहीं हुआ हाँ। उनको चाहे वो 18 साल तक हो 19 साल तक हो हाँ। वो करना पड़ेगा हाँ। खर्ज साधना स्वरों को स्थिर करने के लिए होती है। करेक्ट। तो कभी कुछ लोगों कुछ बच्चों में साल दो साल में ठीक हो जाता है, कभी उसको 4 साल भी लगते हैं हाँ। एक्सेप्शन में हमने 6-7 साल भी देखे हैं कि उसको खर्ज साधना करनी पड़ी हाँ। फिर आवाज थोड़ा थोड़ा स्थिर होने लगा। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम बॉय दिस बॉय टू दैट बॉय, सो डिफरेंट रूल कैनॉट बी मेड कि भाई एक साल में ही उनको ठीक हो जाए, ऐसा निश्चित रूप में नहीं बता सकते, बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज टेक्स अकॉर्डिंग टू दी जीन्स एंड वॉट नॉट, देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, तो वो उनके लिए। और उसको ठीक करने के लिए क्या अभ्यास कैसे करना चाहिए? मेरे ख्याल से उनका डिफेक्टिव लगाव है, पहले तो हम लोग अच्छा उनसे स्तर में गाते हैं ये देखना चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि लड़कियों में बताता हूँ जो मतलब फिल्म संगीत गाते हैं या सुगम संगीत गाते हैं, तो उनका क्या होता है कि मैं कौन से सुर में गाएंगे, वो लता जी के सुर में, भाई लता जी का सुर बहुत अलग है, आपका सुर अलग है, लता जी अलग है, आप अलग हैं, मैं भीमसेन जी के सुर में गाऊंगा ऐसे नहीं हो सकता, भीमसेन जी जैसे आवाज निकालूंगा, तो ये गलत है। अपने आवाज की रेंज को पहचानो, हम तो इसमें बहुत डिटेल में जाते से ये कहते कि किसी की आवाज की रेंज देखकर हम उसको कौन से घराने की गायकी सीखना ये भी बताते हैं अच्छा। कि आपके आवाज की जो जाति है और आपकी रेंज जो है ये इस घराने के लिए बहुत सुंदर होती है। अब जिसके गले में मान लो मुर्की है नहीं तो उसको पतियाला घराना गाने के लिए क्या कहूँ, Yes. वो गा नहीं सकेगा, वो मुलायमता एक अलग होती है वो मिल जाती है, उसका संबंध हमारे लैरिंग्स से होता है, पर तंतु जितने पतले हो उतनी आवाज मोटी जाती है। लेकिन गाना कोई नीचे मंदर में गाओ या तार में गाओ तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा एक भ्रम हमारे में पैदा किया है, वो गलत है। आप चाहे 4 सुर में गाओ लेकिन ऐसा गाइए कि बहुत ये केन सहगल साहब क्या गाते थे देखिए भैयास का साहब, हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाते, क्या बहुत रेंज में जाना कोई जरूरी थोड़ी है,
बहुत नीचे जाना कोई जरूरी नहीं है। आपको जो दिया है भगवान ने, जो एक अच्छा रूप गला दिया है, उसको इस तरह से करिए कि उससे आप एक कोई बात पैदा कर सके, बस ये ही महत्व का है। यस सर, मैं अभी पूछना चाहूंगी सर कि बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से मैं थोड़ा उस पर भी हमें ये डालना चाहिए थोड़ा सा, हाँ प्रकाश डालना चाहिए। तो उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि तान के बारे में, कि तान तो उसमें से ही मेरा उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि तान और नोटेशन कितनी चाहिए गाने में। और अभी क्या हो रहा है कि चमत्कृति, चमत्कृति ये गाना है या कोई, कौन सा गाना अच्छा है और कौन सा गाना सुनना चाहिए और अच्छा है, और तान फास्ट कितनी चाहिए, नोटेशन लेना अच्छा है नहीं है, जो कुछ है प्लीज अब बताइए सर। एकदम बहुत सुंदर चल रही है, हाँ हाँ क्या बात है, क्या असली तान चल रही, बहुत सुंदर है। लेकिन ये जो है ये मीठापन उसका प्रोपोर्शन कितना हो, हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। आप देखो एक दिन में 25 लड्डू खा लो और ऐसा दो चार महीने करो तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, तो हमको सुनने वाले को भी डायबिटीज नहीं कराना है और जो गाने वाले उसको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रपोर्शन होना चाहिए। भैयास खास आपको ये प्रश्न पूछा था, भैयास का के गुरु थे, उनके सामने एक तान तान कप्तान, उन्होंने अपना गाना सुनाया और बड़े बड़े लोग बहराम खान साहब थे बैठे थे, गुलाम अब्बास खान साहब, वो सब बैठ के वो गाना सुन रहे थे और ऐसी ताने एक से एक चल रही थी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब इनमें से कोई उसको वाह नहीं करे तो ये मतलब भैयास खान साहब ने बताई बात बता रहा हूँ आपको, तो वो बड़े नाराज हो गए, कहने लगे क्यों हमारा गाना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मिरर लेके आओ, तो आईना सामने रखा, कहने लगे हाँ अभी आपका चेहरा इसमें कैसा दिख रहा है, कहने लगे बहुत सुंदर। अब उन्होंने वो मिरर को हिलाना शुरू कर दिया, अब कहने लगे आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, तो चेहरा उसमें दिख नहीं रहा, कहीं कान दिख रहा है, कभी आंख दिख रही, कभी मुंह दिख रहे, कहने लगे तान में राग ऐसा दिखता है, ये समझ लो। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि कहने लगे तान में राग का जो सुंदर रूप है, राग का चेहरा सुंदर दिखता है, वो तान में कभी दिखेगा नहीं, वो सरगम में दिखेगा नहीं। तो इसलिए सरगम सरगम करके या तान तान करके दिखेगा नहीं, आलाप ये उसका मुख्य आधार है। इसीलिए हम 300-350 साल ध्रुपद में आलाप सुनते आ रहे हैं कि उसमें राग जो रंजकता है उसको उसमें लाने का प्रयास करना चाहिए। आलाप ही संगीत होता है। Yes, sir. माना अब ऐसा कोई चमत्कृति के लिए गाते हैं और तालियां मिलाने के लिए गाते हैं, तो तालियां किस चीज को नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो आजकल तालियां बजाने को बोला जाता है, है ना, कि आप वो देखते हैं ना शोज में, हाँ इसके लिए ताली बजाए, तो वैसे आजकल का ये है कि ये तान ली फिर ताली बजाई, वो स्टाफ पर एक लटके रहे एक मिनट के लिए, तो लोग तालियां बजाते हैं। अब तालियां बजाने वाले और असल में संगीत सुनने वाले ये दो अलग अलग गुट होते हैं। जो असली समझने वाले हैं वो कहते हैं कि साथ तो लगा है लेकिन बाकी जोर को का क्या है ना। तो इस चीज को, इसका मतलब ये नहीं कि तान ना लें, तान गले में हो, सरगम भी लो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन, एस्थेटिक्स क्या कहता है कि प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जैसे आप कि आपके खाने में हर एक चीज का, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, इसका बहुत सुंदर प्रोपोर्शन हो, तब आपकी सेहत, संगीत की सेहत अच्छी रखनी है तो सभी घटकों को अच्छे से रखिए, समझे ना। यस सर, यस सर। सर मैं अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहूंगी, बहुत ज्यादा हमने तकलीफ दी है आपने, और आपने इतने अच्छे अच्छे आंसर्स हमें और मार्गदर्शन किया है, तो हमें कहानी बतानी थी। हाँ सर, हाँ सर, प्लीज एक
एक कहानी बतानी थी हमको आपको, प्लीज सर, समय है तो बताऊंगा। यस सर, वो ऐसी है। हाँ प्लीज सर। नहीं कितने मिनट है बोलिए। हमारे पास अभी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तो है, 10-12 मिनट्स है। यस सर। संगीत को कैसे देखना चाहिए इसके बारे में एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। संगीत को स्वर ही ईश्वर है ऐसा हम कहते हैं। तो एक वज्र नाम के राजा थे और वज्र नाम के राजा ईश्वर के बड़े भक्त थे और वो राज्य खाई करते करते हर समय ईश्वर भक्ति में ज्यादा लेते थे। तो लोग कहते थे कि आप क्या आनंद लेते हैं, किस प्रकार का? कहने ईश्वर का रूप देखने का प्रयास करता हूँ। तो कहने लगे आपको दिखता है हमको क्यों नहीं बताते? तो कहने लगे बताएंगे कैसे, ईश्वर कोई बताए थोड़ी जा सकता है। तो कहने लगे तो ये तो आपका ढोंग है कि आपको ईश्वर दिखता है। तो वो मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि मेरे को एक मूर्ति बनाने की विद्या हासिल करना है आपसे, आप मूर्ति बनाने की। तो कहने लगे देखिए मूर्ति बनाने के लिए पहले आपको संगीत सीखना पड़ेगा। कहने लगे अरे ये क्या चीज है? तो मूर्ति किसकी बना रहे? ईश्वर की। ईश्वर का रूप कैसा है? अमूर्त है। तो कहने लगे संगीत ये अमूर्त है बाबा। तो संगीत के अमूर्त रूप को पहले सुनो। तो उसमें क्या होता है, संगीत में कैसा होता है देखिए, पहले अमूर्त होता है फिर हम मूर्त रूप में जाते हैं राग के, और राग के माध्यम से फिर हम अमूर्तता की ओर जाते हैं, राग को भी छोड़ देते हैं और फिर एक सुर में विलीन हो जाते हैं उस इस तक। तो ये जो है अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त जाने की प्रक्रिया को हम संगीत कहते हैं। तो वही है कि आपका जो अमूर्त रूप है वो अमूर्त रूप आपको मूर्ति में लाना है तो पहले संगीत सीखिए उसमें क्या क्रिया करते हैं। अच्छा। और फिर उसको अमूर्त है, फिर उसको अमूर्त। बस यही यही कारण है कि संगीत सीखना है और अन्य का जो है वो अन्य कला का मूल आधार संगीत है। ये अमूर्तता जो समझ सकता है वो संगीत का सही आनंद ले सकता है, ये समझ लीजिए। बहुत सुंदर इसमें ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखी है, समझ गए ना? अच्छा सर, वज्र और मार्कंडेय। बाबा सर यही इसी क्वेश्चन पर ही मैं आने वाली थी एक्चुअली, क्योंकि हमारे जी कृष्णा बोलिए। मतलब मैंने सुना है कि जैसे संगीत तो बहुत आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक चीज जी। तो मतलब हमारे गुरुओं से हमने तो वही सुनते आए हैं कि जैसे जो भी करते सगुण का पूजा करते सगुण से निर्गुण जाने, तो आपकी बात से यही मुझे लगा कि मूर्त से अमूर्त रूप तक वो जाना संगीत। इसको अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त, ऐसा ही इसका जो इसकी जर्नी है। बहुत सुंदर कर जी गुरु जी। जी, प्लीज। हाँ अंतिम और एक ये बता दूं आपको, एक जैसे पूछते हैं कि जैसे आपने पूछा इसमें जो तान और सरगम है ये जो है ये कौशल्य के इसमें आता है, कारीगरी जिसको हम कहते हैं ना। अच्छा। सरगम बहुत अच्छे से करना ये स्किल पार्ट हो जाता है, तो स्किल पार्ट भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए एक वो भी एक पुराण की कथा अंत में सुना देता हूँ फिर। अच्छा हम एंड करेंगे इसका। अच्छा सर। हेमा नाम की एक अप्सरा थी, अप्सरा गाने नृत्य करने वाली बहुत सुंदर थी और उन्होंने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान शंकर बैठे थे, बड़े बड़े देवता बैठे थे, गंधर्व बैठे थे और बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद शंकर भगवान खुश हो गए और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, रिवॉर्ड। तो कहने लगे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और वहां एक गुफा है, वो गुफा में आप जाइए। अब लोग सोचने लगे कि ये इनको इधर से वहां कहाँ सोच रहे। तो कहने लगे आपको वहां एक सखी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, आप उधर जाइए। वो उधर आती है, देखा सारे वन उपन है, पैसा है, सब बहुत सुंदर सुंदर है और एक सखी है।
उसका नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। वो स्वयं प्रभा के साथ रह के वो इस चीज को समझ लेती कि ये भौतिकता बहुत है, इधर बहुत बड़े स्प्रिंग्स है, फल है, सब कुछ है। वो स्वयं प्रभा कहती है कि ये आपको सिर्फ देखने के लिए है, आपको तो आपकी स्वयं प्रभा को देखना है। तो भगवान शंकर ने क्यों भेजा कि आपके इस आपके नृत्य में स्किल है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं है, स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा के साथ रहने के बाद उसको कला की असलियत समझ में आ गई, और असलियत समझ में आने के बाद उनको हनुमान जी ने कहा कि आप गुफा से बाहर आइए तो प्रभु रामचंद्र जी आपके लिए खड़े हैं। और वो वहां से बाहर आती है, प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेती है और वो उसको अपनी विद्या अर्पण करती है और फिर हेवन में चले जाती है। ये हमारे संगीत का सार है कि स्किल जो है, स्किल वालों को चिंतन के लिए, कॉन्टेम्पलेशन, विचार, सोच के लिए उसको गुफा में, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम इनक्यूबेशन कहते हैं, कि उस पर उसकी थिंकिंग ओरिजिनलिटी है ना। मैं जैसे भीमसेन जी के जैसा गाऊंगा तो लोग मेरे को कुछ कहेंगे, अरे भीमसेन जी है वो तो, वो आप क्यों नकल उतार रहे, असलियत पर चलिए, अपनी स्वयं की प्रभा बताइए और वो प्रभा जो है वो ईश्वर को अर्पण करिए, तब जाके आप बड़े अच्छे कलाकार हो सकते हैं। तो ये उस आनंद रामायण में ये कथा दी है, कथा का सार ये असलियत, स्वयं क्रिएटिविटी। तो अंतिम ध्येय संगीत का क्रिएटिविटी होना चाहिए, तब जाके कलाकार बनता है। ये अपने शिष्यों को समझाइए, ये नकल नहीं उतारना है, आप जरूर पहले गुरु से सीखिए लेकिन अपनी अपनी सोच के लिए, उनकी तान में गाऊं फायदा नहीं है, मेरी अपनी तान, मेरे अपने विचार, मेरी आलापी, मेरा प्रस्तुतिकरण, तो मैं कलाकार बन। वाह वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, इतना इतना अच्छा आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये खत्म कभी ना हो, लेकिन कुछ हमारे पास भी टाइम का लिमिट है और आपका भी तो कितना टाइम ले ले ये भी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि और एक आपके साथ सेशन हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके साथ फिर हम आएंगे सर, प्लीज आप हमारे साथ फिर आना, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे और आपको फिर फोन करके हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। आपको ये अवसर दिया इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार, और आप सभी लोगों को भी हमारा प्रणाम कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और संगीताचार्य काणे बुआ प्रतिष्ठान संचालित गुरुकुल का ये जो सीरीज हमने आज शुरू किया, ये आज यहाँ खत्म कर नहीं रहे हैं, जस्ट हम लोग यहाँ थोड़ा विराम कर रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर से कशालकर सर जी के साथ ही आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो सर, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आपके साथ फिर से भेंट होगी ऐसे मैं आशा करती हूँ। नमस्कार कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस। नमस्कार, नमस्कार सर, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम, प्रणाम सर, ओके, बाय बाय सर।